नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कछुए की चाल अपनाओगे, बहुत देर हुई अब लंबी छलांग लगाओगे। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, आप सभी के जीवन काल में आपको बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण उपलब्धि देने वाले शब्द होंगे। जी दोस्तों, यशमय भगवान कुबेर देव का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, किस दुनिया में हर किसी का वक्त जरूर आता है, और दोस्तों यश में आपका वक्त आया है। दोस्तों, आप अक्सर पिछले समय अपने आप को कोसते रहते थे कि हमारा नसीब ही खराब है, कभी हमारा नसीब हमारा साथ ही नहीं, वरना हम कहाँ के कहाँ रहते। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि नसीब आपका खराब नहीं है। दोस्तों, आपके कर्मों का जो फल है बहुत ही बड़ा है, इसलिए दोस्तों उन्हें पाने में आपको थोड़ा सा वक्त लगा है। और दोस्तों, अब जो यश में इस समयावधि में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि है। इसीलिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि कछुए की आप चाल अपनाओगे, देर तो लगी लेकिन बहुत ही बड़ी और बहुत ही लंबी आप छलांग लगाओगे। जी दोस्तों, ये जो समय है दोस्तों यश में भगवान कुबेर देव के आशीर्वाद से खुशियों से भरा, खजाने से भरा समय आप सभी के लिए साबित होने वाले हैं। जी दोस्तों, यश में जो भी कुछ खुशखबरी आपको मिलने वाली है, जो भी बड़ी सफलताएं आपको मिलने वाली हैं, जो घटनाएं आपको यश में देखने को मिलेंगी, दोस्तों सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम धन के देवता कुबेर महाराज के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय कुबेर महाराज लिख दें। कुबेर महाराज आपके घर को धन धान से सदैव भरेंगे। जय दोस्तों, तो ये दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात से, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, जो दोस्तों यश में आपको ध्यान में रखने हैं। क्योंकि दोस्तों, अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जाने अनजाने में गलती कर देते हैं और आपका कमाया हुआ धन भी चला जाता है। दोस्तों, ऐसे में यश में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आए दोस्तों, इन्हें भी आप बहुत ही गौर से सुनिएगा कि दोस्तों, अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी में कोई तकलीफ आए तो उसकी जिंदगी से ऐसे निकल जाना चाहिए जैसे कभी उसकी जिंदगी में आए ही नहीं। जी दोस्तों, अगर यश में कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करने लगे तो दोस्तों आप समझ जाइएगा कि दोस्तों उनको आपसे तकलीफ हो रही है, तभी वह आपसे ईर्ष्या करने लगे। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों का साथ आप तुरंत छोड़ दें और यश में से आप प्रण ले लें कि इस व्यक्ति का साथ हम रहेंगे ही नहीं। और दोस्तों, आप देखेंगे कि आने वाला कल आपका बहुत ही स्वच्छ गुजरने लगेगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करें, आप शिव के जीवन काल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों, कुछ समय से अस्त व्यस्त हुई चीजें यश में पुनः व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी। व्यस्तता के बावजूद भी अपने परिवार और अपने संबंधियों के साथ कुछ समय जरूर व्यतीत करें, इससे आप अपने आप को तनाव मुक्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे। युवाओं को भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलने के योग बन रहे हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि विरोधी लोग यश में जलन की भावना से आपकी बदनामी और फिर आप पर झूठा आरोप लगाने जैसी हरकत भी कर सकता है। समस्या को दोस्तों यश में आपको गुस्से के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करना चाहिए, ये आपकी समझदारी होगी। और दोस्तों, किसी भी प्रकार की यात्रा यश में ना ही करें तो आपके लिए यश में अच्छा रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए शुभ होंगे। आपको बता दें कि यश में आप अधिक सकारात्मक या फिर अधिक नकारात्मक भी हो सकती है, इसलिए दोस्तों परिस्थिति को जैसा है वैसे ही देखने की कोशिश करें। अपनी भावनाओं को दूर रखकर प्रैक्टिकल रहने की आपको इसमें आवश्यकता होगी। करीबी व्यक्ति के खिलाफ आपको किसी व्यक्ति द्वारा भड़काया भी जा सकता है, तो दोस्तों इन व्यक्तियों पर बिल्कुल विश्वास न करें और किसी से लड़ाई झगड़े करने से इसमें आप सावधान रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि किसी भी निर्णय को लेने में दिल की अपेक्षा आपको अपने अंदर आत्मा का आवाज सुनना चाहिए। दोस्तों, आपका कर्म व फिर पुरुषार्थ आपके हर काम में सफलता और उपलब्धि प्रदान करने वाला है। दोस्तों, घर की गतिविधियों में भी आपका सहयोग इस समय रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, भाइयों के साथ संबंधों को मजबूत बनाकर रखें। दोस्तों, यश में बच्चों की कोई नकारात्मक गतिविधि चिंता का कारण बन सकती है, कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे।
दोस्तों आपके ऊपर अपयश हावी हो सकता है, जिसकी वजह से सकारात्मक हो रही घटनाओं में भी कुछ न कुछ जो है नकारात्मक बातें आप ढूंढ लेंगे। दोस्तों यश में आपके अंदर बढ़ रहे डर की वजह से आप जो है आगे बढ़ पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी होगा। मानसिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना यश में आपके लिए लाभदायक रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी काम जल्दबाजी में ना करके पहले उसके सारे पहलू पर अच्छी तरह से सोच विचार कर ले, क्योंकि दोस्तों समय को अनुकूल बनाने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यार्थियों को भी प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके आत्मविश्वास तथा कार्य क्षमता भी यश में निखरने वाले हैं। लेकिन दोस्तों यश में आप घर के बड़े बुजुर्गों व फिर वरिष्ठ व्यक्तियों का उचित सम्मान करें और उनका आशीर्वाद व फिर सलाह आपके लिए यश में वरदान रहने वाले हैं। अचानक ही किसी खर्च के सामने आने से आर्थिक स्थिति भी थोड़ा बिगड़ सकती है। दोस्तों इसमें चचेरे भाइयों के साथ संबंधों में थोड़ा सा खटाव आ सकता है, तो दोस्तों इनसे आप बचने की कोशिश करें, ये आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें मानसिक रूप से आप अधिक गंभीर और स्वस्थ महसूस भी करेंगे। जिस विषय को पाने के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे दोस्तों, उसके बारे में आपका आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके अंदर एक ही खूबी रहेगी कि जिस भी बात को आप ठान लेंगे उन्हें पूरा करने में आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें बागवानी तथा प्रकृति के समीप रहकर व्यतीत करें, इससे दोस्तों आपको मानसिक सुकून की प्राप्ति होगी। अपनी प्रतिभाओं को और अधिक निखारने का प्रयास करें, दोस्तों के साथ भी बेहतरीन समय यश में व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में घर में किसी बात को लेकर माहौल में कुछ जो है अलगाव की स्थिति आ सकती है, परंतु दोस्तों आपका सहयोग व्यवस्था को संभाल लेगा। अपने स्वभाव में सजगता व फिर लचीलापन बनाकर रखें। युवा वर्ग अपने टारगेट को हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि किसी एक काम पर ही पूरी तरह से निर्भर होने की वजह से काम संबंधित गति में कुछ थोड़ा सा कमी भी आ सकता है। पैसे की चिंता यश में आपको थोड़ा सा सता भी सकता है। परिवार से दूर रहना आपके लिए आपके अंदर होम जो है सिकनेस की भावनाएं ला सकता है। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि पुराने मित्रों के साथ बदलते हुए रिश्ते को देखकर आपको दुखी भी होना पड़ सकता है। दोस्तों ये समय बिगड़े हुए संबंधों को अधिक प्रयत्न करके ठीक करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। अपने दोस्तों भविष्य में कार्य करने के लिए अपने ध्यान को अपने कार्यों के प्रति केंद्रित रखें और भविष्य में आप अच्छी सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों आवश्यक कार्यों में कुछ रुकावटें भी आ सकती है। यश में ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में उतना नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, इसलिए दोस्तों धैर्य बनाकर रखना आपके लिए यश में उचित रहेगा। उचित समय आने पर समस्या स्वतः ही हल हो जाएंगी। यश में महत्वपूर्ण कार्यों को जो है पहले पूरा करने का प्रयास कर लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी व फिर ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में किसी प्रकार के अनैतिक कार्य में रुचि ना लें। व्यवसाय में जो विस्तार संबंधी योजनाएं बना रही हैं दोस्तों, उस पर धैर्य तथा गंभीरता से कार्य करने की इसमें ज़रूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अधिकतर समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों में लगाएं, कुछ सकारात्मक संपर्क इसमें स्थापित होंगे। परंतु दोस्तों यश में भविष्य संबंधी किसी भी योजना को स्थगित रखें, क्योंकि दोस्तों अभी समय जो है उतना उपयुक्त आपके लिए नहीं रहने वाले हैं। कुछ समय जो है कुछ योजनाओं के लिए उचित समय का इंतजार आपको करना जरूरी होगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया अथवा फोन द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण अनुबंध भी अंत में प्राप्त हो सकता है। आर्थिक स्थिति भी इसमें थोड़ा सा बेहतर होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों को जो है कार्यभार की अधिकता रहने वाली है, इसकी वजह से दोस्तों आपको इसमें ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल बनाकर रखने से घर की ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी। पति पत्नी में जो है आपसे सामंजस्य इसमें सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी दोनों का घर और व्यवसाय में सामंजस्य बनाकर रखना पारिवारिक व फिर आपसी संबंधों को और अधिक मधुर बनाकर रखेगा। विवाहेतर संबंधों से यश में आप दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे।
और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे, परंतु अपने जो है टोका टाली वाले स्वभाव को थोड़ा बदलने का प्रयास करें, ये आपके लिए समय बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों घर में भी उचित समय व्यतीत करने से पारिवारिक लोगों की खुशी में आप शामिल हो सकते हैं तथा उचित सामंजस्य भी इसमें बना रहेगा। प्रेम संबंधों में इसमें प्रगढ़ता आने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों शारीरिक व फिर मानसिक थकान हावी हो सकती है। यश में वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव अवश्य करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चल रही शारीरिक परेशानी यश में खत्म होगी और आप काफ़ी हद तक राहत महसूस करेंगे। परंतु दोस्तों अभी भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दोस्तों मौसम का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। अंत में दोस्तों स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, यश में अत्यधिक सर्दी से अपना बचाव करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए समय बेहतर होंगे।